नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड में कुछ जोड़ियां जुदा होने के बाद भी उन्हें हमेशा याद किया जाता है और इन्हीं जोड़ियों की लिस्ट में एक जोड़ी शहनाज गिल और दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का भी है। भले ही सिद्धार्थ ने शहनाज को जिंदगी के सफर में अकेला छोड़ दिया है, लेकिन आज भी शहनाज को जब भी कोई उपलब्धि मिलती है वो सबसे पहले सिद्धार्थ को ही याद करती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट अवार्ड शो 2022 में स्टेज पर सिद्धार्थ को याद कर इमोशनल होती शहनाज गिल नजर आई हैं। दरअसल दुबई में बॉलीवुड सितारों से सजी फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर नाइट 2022 की शाम में ढेर सारी मस्ती देखने को मिली, जहां इंडस्ट्री के कई सितारे इस अवार्ड नाइट में जान डालते हुए दिखे। इनमें रणवीर सिंह से लेकर गोविंदा तक इस स्टार स्टेड अवार्ड नाइट में पहुंचे हुए थे। वहीं इस अवार्ड शो में सबकी चहेती और बबली क्वीन शहनाज गिल भी नजर आई, जिनका सिद्धार्थ को याद करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल फिल्म फेयर मिडिल नाइट अचीवर्स अवार्ड्स की नाइट में शहनाज गिल को राइजिंग स्टार ऑफ बॉलीवुड का अवार्ड दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर उनका वीडियो सामने आया है, जिसमें शहनाज स्टेज पर अवार्ड को लेते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अवार्ड लेते हुए शहनाज काफी खुश थी, लेकिन एक पल के लिए सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर भावुक भी हो गई। वहीं अवार्ड लेते हुए और स्पीच देते वक्त शहनाज सिद्धार्थ को याद कर पूरी तरीके से इमोशनल हो गई। उन्होंने स्पीच में कहा कि वह अपनी कामयाबी के लिए किसी को भी धन्यवाद नहीं कहेंगी। शहनाज ने कहा कि मैं अपनी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरी टीम, किसी को भी यह अवार्ड डेडिकेट नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेहनत मेरी है, तू मेरा है और मेरा ही रहेगा। ठीक है, सुनो एक चीज और, मैं एक बंदे को शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझ में इतना इन्वेस्ट किया कि आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। थैंक यू सिद्धार्थ शुक्ला, दिस इज फॉर यू। वहीं बिग बॉस के घर से शुरू हुआ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। वहीं सिद्धार्थ का इस तरह शहनाज को छोड़कर चले जाने के बाद शहनाज पूरी तरीके से टूट गई थी, लेकिन फिर एक्ट्रेस ने इस इंडस्ट्री में एक दमदार एंट्री मारी और अब शहनाज अपने कामयाबी के पिक पर है। लेकिन इन सबसे हटकर आपको शहनाज का ये अवार्ड शो का लुक कितना पसंद आया और उनके स्पीच से आप कितने ज्यादा भावुक हुए, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी आप केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।